ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सत्ता संग्राम में। चलिए स्वागत कर लेते हैं भाजपा से, हमारे साथी श्याम सुंदर जी जुड़ गए हैं भाजपा के प्रवक्ता। पहले ललिता मेहरवाल जी मतलब बैठी हुई है कांग्रेस से। बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ अभी तक कितनी वोटिंग हुई है। अभी तक एक बजे तक का जो हमारा प्रतिशत आया है उसके अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है श्री गंगानगर में, जहां 47.42% अभी तक मतदान हो चुका है। बीकानेर में 41.88, चूरू में 44.55, झुंझुनू में 40.85, सीकर में 43.28, जयपुर में 41, जयपुर में 44, अलवर में 43, भरतपुर में 40, करौली धौलपुर में अभी तक सबसे कम मतदान हो रहा है, वहां पे 38% मतदान हुआ है, दौसा में 42% है और नागौर में 43%। तो सबसे आज मतदान जो गति पकड़ा हुआ है वो श्रीगंगानगर में है, और जो सबसे कम धीमी गति से मतदान हो रहा है वो करौली है। तो सबसे पहले घर से बाहर निकलिए, मतदान जरूर करके आइए। चलिए श्याम सुंदर जी आपका स्वागत है। क्या कहते हैं जो मतदान की रफ्तार है बहुत अच्छी है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, कितना आश्वस्त नजर आते हैं इस मतदान से? देखिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और जनता का जो झुकाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और लोग किसान हो चाहे बेरोजगार हो, जो राजस्थान सरकार ने उनको छलावा करके और ऋण माफी का हवाला देते हुए, चाहे बेरोजगारी भत्ता का हवाला देते हुए जो उनके साथ ठगी की, उसका जो बदला है वो जनता लेने वाली है। आज 20,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी किया, जबकि संपूर्ण जो ऋण है वो 1,00,000 करोड़ है। 1,00,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ का केवल ऋण माफ किया उन्होंने, और दिखा दिया कि हमने ऋण माफी कर दी। बेरोजगार आज भी इंतजार कर रहा है कि 3,500 रुपये मेरे खाते में कब से आएंगे, और इसलिए जो गुस्सा है किसानों का बेरोजगारों का वो कांग्रेस के प्रति फूटता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है और मोदी सरकार की नीतियों के साथ पूरा देश है। श्याम जी, हम अभी आपके आने से पहले बात कर रहे थे, इस बार जो आपके प्रत्याशी हैं वो तो कोई नजर ही नहीं आए, सिर्फ मोदी जी, ऐसा क्यों? क्या प्रत्याशी का अपना कोई कद, कोई अपना वजूद नहीं होता? देखिए हर प्रत्याशी का कद होता है, वजूद होता है। आप जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, आपने देखा होगा और आप लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं हुए, लोग चुनाव हार के डर से लड़ने को तैयार नहीं हुए। आप जयपुर ग्रामीण की सीट देख लीजिए, चाहे जयपुर शहर की सीट देख लीजिए, और प्रत्याशी ना मिलने के कारण इनको पैरासूट प्रत्याशी जोगी कृष्णा पूनिया उतारना पड़ा, जिनका ना कांग्रेस से कोई लेना ना कोई देना। और प्रत्याशी कांग्रेस के विधायक है कृष्णा पूनिया। देखिए कृष्णा पूनिया कांग्रेस में कब जुड़ी है, कितने पहले जुड़ी है, और जो पहले सांसद रह चुके लालचंद कटारिया क्यों नहीं लड़े, उनको लड़ना चाहिए था, उन्होंने एन वक्त पे मना कर दिया, हार के डर से वो पीछे हट गए, तो कृष्णा पुनिया को इन्होंने शहादत के लिए भेज दिया। ये आपको बताया तो था कि लालचंद कटारिया जी ने, जी आप ही जवाब दे सकती हैं इस बात का, मैं भी नहीं सकती इस बात का, आपको बताया था कि मैं नहीं लड़ रहा, कमाल कर रहे हैं आप। जो ये चुनाव है, हम देश का मुखिया चुनने जा रहे हैं, हम देश में किसको, अब देश किसके हाथों में देने जा रहे हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कौन करने जा रहा है विश्व पटल पे, उसका चुनाव है, बड़ा चुनाव है। तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री हमारी तरफ से, हमने भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया हुआ है कि नरेंद्र मोदी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इधर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कभी मनमोहन सिंह जी का नाम आता है, कभी राहुल गांधी का नाम आता है, अभी उसमें भी का नाम है श्याम सुंदर जी, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। जरूरी नहीं कि एक नेता सबके सामने ही हो, अगर सिर्फ हमें देश में प्रधानमंत्री ही चुनना है तो ठीक है, उसी के नाम पे वोटिंग हो सकती है, प्रत्याशी भी तो कोई वजूद रखते ही हैं जी। सभी प्रत्याशी, मोदी जी आते हैं सभा में, आते हैं कहते हैं आप कमल का बटन दबाइए, सीधा वोट मोदी के खाते में जाएगा, क्या प्रत्याशी के नाम पे कोई वोट नहीं डलता? देखिए प्रत्याशी, हमारे प्रत्याशी चुनेंगे वो मोदी जी ही होंगे, और जो वोट होगा वो कमल का निशान, चूंकि चुनाव चिन्ह है तो कमल के निशान के लिए अपील की जाएगी कि आप कमल के निशान पे बटन दबाइए, जो चुनाव चिन्ह होगा उसी के लिए प्रमोट करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रत्याशी है, सभी जगह उतारे हैं प्रत्याशी, और सारे जितने प्रत्याशी हैं आज हमारे, चाहे राजवर्धन जी हैं पूरे 5 साल क्षेत्र में एक्टिव रहे, और बोहरा जी हैं पूरे 5 साल क्षेत्र में एक्टिव रहे, तो सभी प्रत्याशियों ने क्षेत्र में काम किया हुआ है, हम लोग जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। ललिता जी, कुछ सवाल थे आपके जो पहले आपने उठाए थे विकास के मुद्दों को लेके, अब श्याम सुंदर जी सामने हैं तो अब हम बात कर सकते हैं, कुछ आप अपनी बात कहिए। नहीं बिल्कुल, निश्चित रूप से आप, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, प्रत्याशी गौण है,
और ये वास्तव में देखिए कि 5 साल का जो शासन है आज, लोकतंत्र कहीं इनकी पार्टी में नज़र नहीं आ रहा है। केवल 2 लोगों की सरकार चल रही है, 2 लोग ही सेंटर में हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो है। अब पूरी पार्टी, क्योंकि हमें तो इस इलेक्शन में बीजेपी ही पार्टी का नाम भी नहीं सुना, केवल मोदी मोदी और मोदी, तो बड़ा आश्चर्य है कि और जिस तरीके से 5 साल का शासन था ये तानाशाहपूर्ण शासन था, और इस शासन में जिस तरीके से आप देखिए कि लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उनको किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इनका उपयोग किया है, इन पर दबाव डाला है, जिस तरीके से ट्रांसफ़र किए गए हैं, आप चाहे RBI हो, चाहे रिजर्व, चाहे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों द्वारा जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में आया था, उससे उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र खतरे में, इसको बचा लीजिए। तो ये चीज़ आज इतना मजबूर होके सुप्रीम कोर्ट के जजों को आके सामने बोलना पड़ा भारत की जनता के सामने, और ये आगाह आज भारत की जनता को ये समझना चाहिए कि वास्तव में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो जनता का वर्चस्व, जो जनता का आज लोकतंत्र भागीदारी, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आज अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। आप प्रत्याशी, मैं बोलती हूँ उस क्षेत्र में प्रत्याशी महत्वपूर्ण होता है कि आपका उस क्षेत्र का विकास वो प्रत्याशी करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक आदमी को चुनने के लिए चाहे कैसा भी प्रत्याशी उतार दिया हो, आप उसको मेरे नाम पे वोट दे दीजिए, तो ये कितना दुर्भाग्य है। ये लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस तरीके से ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं। ये भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, इस लोकतंत्र को हमें बचाना है, लेकिन इन्होंने केवल इसको राजतंत्र तानाशाह बना के रख दिया और ये कह दिया कि एक आदमी केवल शासन कर रहा है, बाकी सब गौण है, बाकी कोई भी नहीं है, ना कोई पार्टी है इनकी, ना कोई प्रत्याशी है। तो ये आज भारत की जनता को समझना चाहिए कि ये तानाशाहपूर्ण शासन है, और मुझे लगता है कि अगर ये आ जाते हैं वापस से सत्ता में तो ये शायद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और वापस चुनाव भी नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चिंता को बताया है और उन्होंने यही कहा है, अशोक गहलोत साहब ने भी, कि अगर ये लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से 5 साल में हुई है और ये आने वाले भविष्य में ये चुनाव शायद नहीं होगा, जनता अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएगी, तो इसलिए जो वोटिंग करे बहुत सोच समझ के करना है और इस कांग्रेस पार्टी को लेकर आना। कांग्रेस पार्टी ने, आप, मैं बताऊं आपको कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र को बचा के रखा है। तभी मोदी जी बोलते हैं कि मैं एक चाय वाला था, मैं तेलिया अति पिछड़ा वर्ग से हूँ। तो आप ये देखिए इस लोकतंत्र की खूबसूरती की, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, तो ये लोकतंत्र की जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, इस लोकतंत्र को बचाने का काम किया है जी। चलिए ललिता जी, शुक्रिया आपका, स्टूडियो में आई, अपनी अपनी अच्छी बात